खाने का मन कर रहा था, मतलब ऐसे कभी नहीं होता कि मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है, बट आज मेरा इतना मन कर रहा था खाने का एंड मेरे पापा को देखा। मॉक नारायण सुरभि राठौर की न्यू अपडेट। आज की अपडेट जो है शौक फैंस के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि उन सभी फैंस को एक सरप्राइज मिलने वाला है मॉक नारायण की तरफ से। तो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो के शुरुआत में सुरभि राठौर को देखा है, और सुरभि राठौर जो है मंदिर गई है और काफी ज्यादा खुश है। सुरभि राठौर जो है धीरे धीरे मॉक नारायण को भूल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। सुरभि राठौर ने सोच ही लिया है कि मॉक नारायण जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, तो मैं क्यों ना बढ़ूं अपनी लाइफ में आगे। गाइस, आप सभी को मालूम है कि एक सरप्राइज आने वाला है मॉक नारंग की तरफ से। काफी फैंस का कहना है कि मॉक नारंग जो है आपको बिग बॉस में देखने को मिलेगा। आई होप गाइस कि मॉक नारंग के साथ में सुरभि राठौर भी अगर बिग बॉस में जाए, तो हो सकता है कि इस बार बिग बॉस जो है काफी फैंस देखेंगे, क्योंकि मॉक नारंग एंड सुरभि राठौर के बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो इन दोनों को बिग बॉस में एक साथ में देखना चाहते हैं। आई होप गाइस कि आप लोग अपना अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप मॉक नारंग एंड सुरभि राठौर को दोनों को एक साथ में बिग बॉस के घर में देखना चाहते हैं। ये तो गाइस आगे ही पता चलेगा कि बिग बॉस के घर में क्या मॉक नारंग जाएगा, या फिर सुरभि राठौर भी जाएगी मॉक नारंग के साथ में बिग बॉस के घर में, या फिर ऐसे ही फैंस जो हैं ऐसे ही बोल रहे हैं कि मॉक नारंग जो है बिग बॉस के घर में जाने वाला है। वैसे तो गाइस मॉक नारंग आजकल एक्टिव नहीं रहता है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अपडेट अच्छी लगी है तो अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच माई यूट्यूब फैमिली।